हेलो स्टूडेंट, तो टुडे डिस्कस करेंगे जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास थ्री के लिए. लेट स्टार्ट. हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? लाइट बल्ब का इन्वेंटेड कौन किया? थॉमस अल्वा एडिसन. सेकेंड क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज द रेड प्लैनेट? सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है और उसमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं? मार्स. विच इज़ द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? का ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर. हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का इन्वेंटेड कौन किया? अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल. हु डिस्कवर पेनिसिलिन? पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो इसका इन्वेंशन ने किया था अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग. एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? वेनस. विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? मरकरी. इन सोलर सिस्टम विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? अर्थ होता है ना, सॉरी अर्थ ना ब्लू प्लैनेट है, और बस सोलर सिस्टम का ओनली अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ पॉसिबल है. हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? गुटेनबर्ग, जोहनेस गुटेनबर्ग. हु सक्सेसफुली बिल्ट एंड फ्ली द वर्ल्ड फर्स्ट एरोप्लेन? राइट ब्रदर. राइट ब्रदर दो भाई थे और दोनों भाई का नाम था, एक का नाम था ऑर्विल राइट, दूसरे का नाम था विल्बर राइट. दोनों एक साथ किए थे इसीलिए उसको राइट ब्रदर बोलते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न? का सबसे बड़ा मून टाइटन. विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या होता है? एग्जाम्पल ये सन है, ये अर्थ है. जब ये अपने एक्सिस पर घूमेगा, कोई भी अपने एक्सिस पर घूमे तो उसको रोटेशन बोलेंगे. यानी कि वो रोटेशन कर रहा है, अपने आप घूम रहा है. अगर किसी और के चारों ओर घूमे तो वो रिवॉल्यूशन कर रहा है. तो कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो बहुत टाइम लेता है रिवॉल्यूशन करने में? नेपच्यून. इससे तो है ना 100 ईयर्स से भी ज़्यादा लग जाते हैं. विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज थाउजेंड ऑफ स्पेक्टेकुलर रिंग? कौन सा ऐसा प्लैनेट है उसके चारों थाउजेंड ऑफ रिंग्स है? सैटर्न. व्हाट इज द फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पाश्चर फेमस फॉर? डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन का किया था लुईस पाश्चर और ऑफ वैक्सीनेशन, सॉरी डिस्कवरिंग द पेनिस प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल इन द वर्ल्ड? ब्लू वेल. इसका ब्लू वेल का वजन होता है 30 हाथी के बराबर और इसका जीभ का वजन, टंग का वजन होता है 1 हाथी के बराबर. हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? चार्ल्स बेबीज. हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन ए डे? एक डे में 24 आवर्स. हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर? 1 आवर में 60 मिनट. 1 kg में हाउ मैनी ग्राम? 1000 ग्राम. द लेंथ ऑफ द फील्ड कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर्स, और मीटर्स में भी से मेजर करते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड हैदराबाद कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड किलोमीटर्स. विच ए नंबर इज वैन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0? कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा? 0. अगर हम 425 इंटू 1 करते हैं तो क्या आता है? 425. वेरी इजी, इट्स सिंपल. 425 इंटू 10 इज इक्वल टू 4250. द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर 999 इज इक्वल, मतलब होता है कि दोनों बगल बराबर हो. इसको ऐड करके कितना आएगा? 455 और यहाँ 455 जाने के लिए 30 और ऐड कर देंगे. इट्स सिंपल. 425 प्लस 0 इज इक्वल टू 425.
425 इंटू जीरो अगर इंटू करते हैं तो फिर 420 जीरो आ जाता है, फिर अगर प्लस करेंगे कोई भी डिजिट को जीरो से तो वही नंबर आएगा। -1789 क्या करेंगे उसमें से माइनस की हमको ये आएगा, जीरो माइनस करेंगे, इट्स इजी। हाफ ऑफ एन एप्पल इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 1/3 ऑफ एन एप्पल। हाफ ऑफ एन एप्पल इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ एन एप्पल, वेरी इजी। 1/4 ऑफ ए केक इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 1/3 ऑफ दैट केक। 1/4 ऑफ ए केक इज लेस देन 1/3 ऑफ दैट केक। वेट ऑफ ए पर्सन इज मेजर्ड लीटर, नो किलोमीटर, नो किलोग्राम, नो क्या होगा, किलोग्राम्स में नापते हैं। 8 o'clock इन द इवनिंग इज 8 a.m. और 8 p.m. इवनिंग में होगा 8 p.m. ओके बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ हेल्प मी।